बेसिक मैथमेटिकल टूल स्टार्ट किए थे कल हम लोगों ने, और बेसिक मैथमेटिकल टूल में कल हमने पढ़ाए थे आपको कांस्टेंट। कल मैंने आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल में कांस्टेंट बताए हुए थे। ओके वेल डन आचल, आपने होमवर्क देखा मैंने, ठीक है वेरी गुड। ओके पीडीएफ मैंने भेज रखी है दोनों ग्रुप्स में, बच्चे ओपन कर लेंगे पीडीएफ। ओके कल भी ग्रुप में भेजी है, दोनों ग्रुप्स में पीडीएफ पड़ी हुई है, और कल मैंने लास्ट में बताई प्रैक्टिकल यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या थी एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास जो कुछ डिस्टेंस है, मास है, अलग अलग यूनिट है, वो कुछ इतने बड़े होते हैं और कुछ इतने छोटे होते हैं कि उनके लिए हम अपनी जो कन्वेंशनल यूनिट है मीटर सेंटीमीटर, इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी डिस्टेंस के लिए हमें यूज करना पड़ता है लाइट ईयर। लाइट ईयर एक बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो कल मैंने बताया था कि वन लाइट ईयर कितना हुआ करता है, तो वन लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10^15 मीटर। तो जब आप बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस की बात करते हैं, लार्ज डिस्टेंसेस की बात करते हैं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की दूरी या हेवनली बॉडीज के बीच की दूरी, स्टार्स के बीच की दूरी, तो हम पॉसिबल नहीं कि हम चीजों को इंचेस में मेजर कर पाए, हम चीजों को मीटर में मेजर कर पाए, तब हमें वहां पे मेजर क्या करना पड़ता है, लाइट ईयर। चलिए ये हो गया। अब देखिए बच्चों बेसिक मैथमेटिकल टूल में दो पार्ट हो चुके हैं। कल की क्लास जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब लिंक दे दी जाएगी। और अब कल की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया था एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। कल की क्लास में मैंने पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। कल की क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल बताए थे, और सर ठीक है चलो ठीक है, लिंक सेंड कर दी गई, लिंक का थोड़ा ध्यान रखेंगे सारे बच्चे लोग। टाइमली ज्वाइन हो जाया करो और सेव कर लो, कहीं पर लिंक यही रहती है तो इसलिए सभी लोग जुड़ जाया करो। तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल बताए थे, देन उसके बाद मैंने बताई थी प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट को ही कल हमने बताया था कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या क्या होती है। तो चलो कल की बात से पूछा जाए, मास की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, बोलो मास की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, बताओ बच्चों। कल पढ़ाई थी हमने, क्या होती है, कल वाले बच्चे बताएंगे मास की सबसे बड़ी यूनिट, बोलो आंचल मानवी। रिप्लाई करो, आवाज आ रही मेरी, अक्षत क्यों भाई आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोग को सर? पाउंड पाउंड सर, किलोग्राम नहीं, कल मैंने बताई थी मास की सबसे बड़ी यूनिट सीएसके, चंद्रशेखर यूनिट बताई थी कल मैंने, सीएसयू याद है, देखो लिखवाई है, 1 CSU 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सम। देखिए कल के नोट्स में 1 CSU इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, ये कल यूनिट मैंने बताई थी जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर यूनिट, और ये मास की बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में कल हमने बात की थी। अब आइए आगे चलते हैं बच्चों, अगला टूल लिखिए, अगला मैथमेटिकल टूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला मैथमेटिकल टूल लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक ही मेथड का ध्यान आपको रखना है, श्रीधराचार्य मेथड का ध्यान रखना है, और जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं बस उसी मेथड से करने हैं, श्रीधराचार्य मेथड से। ओके, और उसके अलावा कोई मेथड मैं यूज करने को नहीं बोलूंगा, कर सकते हो कोई बना ही नहीं है, तो श्रीधराचार्य मेथड का एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर लो। फॉर द इक्वेशन लिखो, फॉर द इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल्स टू जीरो,
रूट्स आर गिवन भाई, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट निकलेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो इस मेथड से आप जो है रूट देंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होता है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्राइबर। ओके, डिस्क्रिमिनेंट इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी, क्योंकि इसकी वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि कैसे रूट्स आपके निकलेंगे, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। सो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। कहीं पर डाउट हो प्लीज पूछिएगा, चुप नहीं रहिएगा, बताइए कहीं पर भी डाउट। अगला टॉपिक लिखो बाइनोमियल थ्योरम, अगला टॉपिक लिखिए। तो बेस इसमें मैथमेटिकल टूल में इतना ही, इसमें क्वाड्रेटिक में काफी है बस, दैट्स इट। ओके, फिजिक्स में जो लगना है आपको वो, और आपको मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो उसमें तो बहुत सारे मैथमेटिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6 से 7 दिन चलाऊंगा, डोंट वरी, तो वो एक अलग बात है, बट फिजिक्स में इससे ज्यादा यूज नहीं होगा, चिंता की बात नहीं है। अगला लिखिए बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। देखो जी, बाइनोमियल थ्योरम का क्या मतलब है बच्चों, बाइनोमियल आपने देखा ना पॉलीनोमियल, तो बाइनोमियल का मतलब दो टर्म ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी, यहां पे दो टर्म है अपने पास ए और बी, तो कैसा एक्सप्रेशन है बाइनोमियल। अब अगर मैं ए प्लस बी की पावर 1 करूं तो आपके पास क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। अगर मैं ए प्लस बी की पावर 2 करूं तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं ए प्लस बी की पावर 3 करूं तो क्या आएगा आपके पास, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। बस इतना ही याद है। अगर मैं a प्लस बी की पावर 4 करूं तब सोचो क्या आएगा, ये तो पावर 4 की बात है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करने को कहूं तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ऐसे करते 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 a प्लस बी की पावर 55 क्या होगा, और तब आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती है कि a प्लस बी की पावर 55 क्या होगा। अब मैं आपको एक पैटर्न सिखा रहा हूं, उसको सीखने के बाद आप बता लोगे कि सर a प्लस बी की पावर 55 क्या होगा। इनफैक्ट आप ये बता लोगे कि a प्लस बी की पावर 55 का सर चौथे नंबर का, फोर्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर का, सिक्स नंबर का, सेवेंथ नंबर का, वट एवर नंबर, कोई भी नंबर का टर्म कौन सा होगा। अब जैसे इसमें बोलूंगा a प्लस बी की पावर 3 में दूसरे नंबर का टर्म कौन सा है, सो यू विल से आंसर यार 3a² b होगा। तीसरे का कौन सा है, आप बोलोगे 3ab² होगा। अब एक कॉमन पैटर्न देखो आप लोग, कॉमन पैटर्न देखो, यहां पर पावर 3 है तो यहां a की हाईएस्ट पावर से शुरू हो रहा है और फिर a की पावर धीरे 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 1 कम हो रही है। देखो यहां पे a² b आ गया, यहां पर ab² आ गया और यहां पर b³ आ गया, मतलब a की पावर धीरे धीरे कम हो रही है और b की पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। और एक जबरदस्त और पैटर्न है, टोटल पावर a और b की जोड़ करके देखो, टोटल पावर 3 है, a की पावर 2 b की पावर 1, a की पावर 2 है और b की पावर 1 है, तो टोटल पावर आप यहां पर ऐड करिए, पावर 2 पावर 1 कितना हो गया 3। अगला फिर से देखो, यहां a की पावर 1 है और b की पावर 2 है, अगेन टोटल पावर कितनी है 3, अगेन टोटल पावर 3, मतलब हर टर्म की पावर सेम है, हर टर्म की पावर सेम है। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको कोई भी टर्म प्रेडिक्ट करा सकता हूं। चलो आओ देखते हैं अब इसमें क्या होगा। तो ये तो बात पक्की है कि सर पहला टर्म तो a की पावर 4 होगा, ये तो हमें पता है, फिर सर कोई कांस्टेंट आएगा, फिर a की पावर 3 हो जाएगी और b की पावर 1 हो जाएगा, फिर सर कोई कांस्टेंट आएगा इसके जैसा कोई चिपका होगा और a की पावर 2 हो जाएगा और b की पावर 2 हो जाएगा, फिर सर कोई कांस्टेंट आएगा और यहां पे कुछ चिपका होगा और ये a की पावर 1 और b की पावर 3 और एट लास्ट b की पावर 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप बोलोगे a प्लस बी की पावर 5 तो क्या होगा, सर a की पावर 5 से स्टार्ट होगा, कोई कांस्टेंट आएगा, a की पावर 4 हो जाएगा, b की पावर 1,
फिर कोई कांस्टेंट आएगा, ए की पावर 3 सर, बी की पावर 2। क्यों? देखो सर पावर 5 है यहाँ पे देखिए 4 पावर 1 पावर 3 पावर 2 पावर। अभी ने सिखाया ना सर पावर हमेशा सेम होगी, फिर कुछ ना कुछ आएगा, ए की पावर 2 हो जाएगी और बी की पावर 3 हो जाएगी, फिर कुछ ना कुछ आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा और ए की पावर 1 और बी की पावर 4 और लास्ट में क्या, बी की पावर 5। अब पैटर्न बना तो अब समझ में आ रहा है कि यार ये तो अपन लिख लेंगे, मगर मामला ये कि सर ये कुछ ना कुछ क्या है, ये तो बताओ ये कैसे निकाला जाए, है ना? ऐसे तो हम सर बहुत मेहनत कर लेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या है, इसको कैसे निकाला जाए बच्चों? तो देखो इसको निकालने के 2 मेथड है। एक मेथड है जो हमारे पुराने टाइम में लगा करता था वैदिक मैथमेटिक्स में, जिसको बोलते थे पास्कल ट्रायंगल, है ना जो बच्चों, उसको हम बोलते थे पास्कल ट्रायंगल। अब उसको कैसे निकालते थे देखो, एक उसको देख लो कैसे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ए का कोफिशियंट कितना है 1 और बी का कोफिशियंट कितना है 1। यार ऑनलाइन वाले बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार, रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। हाँ भाई बताते जाओ थोड़ा, हूँ हाँ बीच बीच में करते जाओ। मानवी, आचल, परी बेटा रिप्लाई करो, ठीक है? आज मानवी नहीं जुड़ी है क्या? क्यों भाई अक्षत, अक्षत तुम तो क्लास में हो ना, मैंने देखा था स्टार्ट में अक्षत जुड़े हुए, तुम क्लैरिटी भी ठीक ठाक है भाई। हिमांशु बेटा समझ में आ रही है क्लास बेटा? ऐश्वर्या क्लियर है? ऐश्वर्या, अच्छा ऐश्वर्या गोस्वामी, ओके ऐश्वर्या एक अलग स्टूडेंट है, चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है भाई, बताना जहां पे दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, रिपीट करेंगे अपन। तो बच्चों ए की पावर यहाँ पे चेंज हो रही है, तो मैंने क्या कहा कि इसको पता लगाने के लिए कि कैसे वेरिएशन हो रहा, तो देखो यहां से, यहाँ पे ए का कोफिशियंट कितना है 1 और बी का कितना है 1, बस ये देखो ये 1 लिखो और ये 1 लिखो, थोड़ा दूर दूर लिख देना, हल्की सी जगह रहेगी, ये 1 और ये 1 ऐसा लिखा बच्चों। 1 के पहले कुछ नहीं है मतलब 0 है, इधर 0 है तो 1 में 0 ऐड करो बोलो कितना आएगा, 1 में 1 ऐड करो कितना आएगा 1, 2 आएगा 1 में 1 ऐड किया 2 आया, और इधर भी कुछ नहीं है मतलब 1 में 0 ऐड किया कितना आया 1। चलो कोफिशियंट चेक करो, इसका कोफिशियंट कितना 1, इसका कितना 2 और इसका कितना 1। चलिए अब आगे बढ़िए, 1 के इधर कुछ भी नहीं है तो 1 में कुछ नहीं ऐड किया क्या आया 1, 1 में 2 ऐड किया कितना आया बच्चों 3, 2 में 1 ऐड किया कितना आया 3 और 1 में 0 ऐड किया कितना आया 1। चलो कोफिशियंट चेक करो बच्चों, देखो मजे की बात 1 3 3 1, ठीक है ना? फिर आ जाओ आगे, 1 में कुछ भी नहीं है ऐड करो, कुछ भी नहीं ऐड किया कितना आएगा 1, 3 में 1 ऐड किया बोलो कितना आया 4, 3 में 3 ऐड किया कितना आया 6 और 3 में 1 ऐड किया फिर से आया 4 और 1 में 0 ऐड किया कितना आया 4। चलो भर दो भाई, मिल गई आपको a प्लस बी की पावर 4। बचपन में कैसे करते थे, टीचर बोलते थे a प्लस बी की पावर 4 निकाल बेटा, तो बेटा बैठ जाता था, ले ओ सर जी आज तो आप हो जाओ खुश, है ना, अब तो मैं पूरी गुरु भक्ति दिखा दूंगा आपको, a प्लस बी मल्टीप्लाई करके, पहले 2 का मल्टीप्लाई करता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चलो भाई फिर हो जाता था, पूरा हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। तो ये a प्लस बी की पावर 4 इस तरीके से एक्सपेंशन आएगी इसकी, वेरी गुड बच्चों, ये हो गई। तो बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन आएंगे, अपन उसको चुटकियों में करेंगे, a प्लस बी की पावर 99, अभी तो इससे भी छोटी मेथड निकलेगी, ये तो बहुत बड़ी मेथड है। हाँ कहाँ यूज होगी ये आपके फिजिक्स में भाई, बहुत जबरदस्त यूज होगी, इसके 2 चैप्टर आपके हैं, कई चैप्टर्स में यूज होगी, अभी बताता हूँ कैसे यूज होगी। ठीक है चलो अब अगला एक बार और देख लो, 1 के इधर कुछ भी नहीं है मतलब फिर से 1, जगह थोड़ी कम कर गई है, काम चलाओ, 1 प्लस 0 कितना 1, 4 प्लस 1 पहले, अच्छा कोफिशिएंट तो मैंने पुट किया ही नहीं, पिछले वाले के पुट तो कर लो, इधर तो 1 है, इधर बोलो कितना आएगा 4, इधर कितना 6, इधर कितना 4 और इधर कितना 1, ओके। और एक और चमत्कार वाली बात देखो, शुरुआत से जो कोफिशिएंट पड़ेगा जिस नंबर पे लास्ट से भी वही पड़ेगा, देखो शुरुआत से दूसरे नंबर पे कौन है 4, लास्ट से दूसरे नंबर पे कौन है 4,
ठीक है ना। इधर पे देखो शुरुआत से दूसरे नंबर पे कौन है, थ्री, और इधर से लास्ट पे दूसरे नंबर पे क्या है, थ्री। इन कोफिशियंट को मालूम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशियंट। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशियंट। तो आप लिख सकते हो बादल बना करके कि द बाइनोमियल कोफिशियंट फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड आर इक्वल। ओके, बाइनोमियल कोफिशियंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड लास्ट आर इक्वल, मतलब शुरुआत से और अंत से जो बाइनोमियल कोफिशियंट हुआ करते हैं वो समान वैल्यू होते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। इधर भी फोर, उधर भी फोर, इधर भी सिक्स, इधर भी सिक्स, तो हर जगह बराबर होंगे। ठीक है, चलो एक और बात करेंगे, बस देखो अगला। इधर वन प्लस जीरो वन, वन प्लस फोर फाइव, फोर प्लस सिक्स टेन, सिक्स प्लस फोर टेन, फोर प्लस वन फाइव, वन प्लस जीरो वन। चलो छाप दो भाई, वन फाइव टेन टेन फाइव वन, वन फाइव टेन टेन फाइव वन, बन गई। ठीक है ना, वन फाइव टेन टेन फाइव वन। सर क्या हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, a प्लस बी की पावर 55 दे दी सर जी ने, तो क्या ऐसे ही करना पड़ेगा? नहीं, अब मैं बताता हूं इसका जनरल फॉर्म, नोट कर लो इतना, ठीक है ना, इतना नोट कर लो। अब इससे भी, हाँ जी बेटा, अब इससे भी बढ़िया जनरल फॉर्म बता रहा हूं। अब देखो जनरल फॉर्म लिख लिया, ठीक है, ठीक है ना, फोटो भी ले सकते हो बच्चों, टाइम खराब कम कर, कम से कम करें अपन। तो इसका जनरल फॉर्म क्या है बच्चों, जनरल फॉर्म याद करो इसका, आपको मैं अब ये याद करना, आपको मैथ्स वाले बच्चों को एक डेफिनेट चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, वो तो मैं पूरा कराऊंगा, 10 दिन लगेंगे। मैथ्स में एक चैप्टर नंबर 5 है बाइनोमियल थ्योरम। अब बायो वाले जो हमारे बच्चे हैं बस वो याद कर ले, कैसे याद करें, याद करना भी सिखाऊंगा। a प्लस बी की पावर n, बच्चा पार्टी याद करो, a की पावर n प्लस n a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, ये क्या करना है सर, देखो देखो बेटा क्या फीलिंग आ रही है। पावर 2 थी दूसरे टर्म में 2 आया, पावर 3 थी दूसरे टर्म में 3 आया, पावर 4 थी दूसरे टर्म में 4 आया, पावर 5 थी दूसरे टर्म में 5 आया, पावर n होगी तो दूसरे टर्म में भी क्या आएगा, एन आएगा। ओके, सो ए की पावर एन, फिर देखो पावर ए की एक से कम हो गई और बी की एक से बढ़ गई, यही तो हो रहा है ऊपर, ए की पावर कम हो रही है, बी की पावर बढ़ रही है। और अगर आप जोड़ दो टोटल पावर, ले जोड़ दो, ए की पावर कितनी एन माइनस वन और बी की पावर कितनी वन, वन से वन कैंसिल, टोटल पावर कितना एन, यही तो मैंने कहा था कि टोटल पावर हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी एन, तो हमेशा टोटल पावर सेम है। तो चलो लिखो, ये हो गया a की पावर n, n a की पावर n माइनस वन, b की पावर n। अब रुको थोड़ा सा, अगला मैं पूछ लूं टर्म क्या आएगा, a की पावर n माइनस टू, b की पावर 2 आएगा कि नहीं आएगा, a की पावर n माइनस टू, b की पावर 2 आएगा कि नहीं आएगा। देख बेटा, a की पावर पहले n थी, a की पावर 1 से कम हुई तो क्या बनी n माइनस वन, फिर a की पावर 1 और कम हुई तो n माइनस टू, b की पावर यहां कुछ नहीं थी मतलब b की पावर 0, फिर b की पावर कितनी हो गई 1, और यहां b की पावर 2। तुरंत रोकें जहां बच्चे समझ में ना आ रहा हो तो, a की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3 होगा कि नहीं होगा। फिर देखिए, फिर a की पावर n माइनस 4 और b की पावर 4 होगा कि नहीं होगा, और ऐसे करते 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 लास्ट में चलेगा b की पावर n, बस खत्म, क्योंकि a की पावर n से शुरू हुई और b की पावर n पे खत्म। ये a की पावर 5 पे शुरू हुई थी, b की पावर 5 पे फिनिश, a की पावर 4 पे शुरू हुई थी, b की पावर 4 पे फिनिश, तो a की पावर n पे शुरू होके b की पावर n पे फिनिश। चलो अब सॉल्व करते हैं, तो n, अब अगला टर्म क्या है देखो बच्चों, इस n को 1 से कम करते जाओ, तो पहला n लिखो, फिर n माइनस 1 अपॉन 2 into 1, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, n n माइनस 1 2 into 1, फिर क्या आएगा देखो, कर क्या रहा हूं मैं, ये n था, n 1 से कम हुआ, अब इधर पे क्या आएगा, n n 1 से और कम, फिर 1 से और कम, तो n n माइनस 1 n माइनस 2
और यहां पर क्या आएगा 3 × 2 × 1, ठीक है 3 × 2 × 1। इधर क्या आएगा देखो, सोचो बोलो बच्चे लोगों क्या आएगा, पहला क्या आएगा n, आगे बोलो n-1, वेरी गुड, आगे बोलो n-2, आगे बोलो n-3, और बोलो डिवाइड में कितना आएगा 4 × 3 × 2 × 1। बस नोट कर लो, ऐसे ही करते जाएंगे, यही है बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन, यही है बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। बस आपको ये याद करना है इसको, बस ऐसे ही एक्सपेंड करोगे आप, ऐसे ही आपको एक्सपेंड करना है, हैं? बाइनोमियल थ्योरम आपको ऐसे ही एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं जिससे थोड़ा सा और क्लैरिटी बने, और फिर इस पर मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, इस पर क्लैरिटी बने और इस पर फिर मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। देखो क्या सिखाया, a प्लस बी की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n प्लस n, a की पावर एक से कम करो b की पावर एक से बढ़ा दो, प्लस n n माइनस वन, नीचे जितने टर्म है उतना 2 × 1 ऐसे लिखिए, और a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, फिर क्या n n माइनस 1 n माइनस 2 3 × 2 = 1, a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3, फिर क्या n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू 4 × 3 = 1। ओके a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4, चलते 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 लास्ट में आएगा b की पावर n, ये है बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन, ये है बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन। बस इस पे बहुत काम करना है आज, और इसको आज यही सोच के आओ, यही सोच के पढ़ो कि आज तो इसको समझ करके जाएंगे, और घर में बस इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो ये आपका बहुत परफेक्ट हो जाएगा। स्पेशली बायो वाले बच्चों आपको तो इसको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, क्योंकि आपको दोबारा नहीं आएगा बेटा, एक बार ही चलेगा ये। मैथ्स वाले बच्चों को तो चलो अगर छोड़ भी देते हैं एक बार, तो उनको मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 आएगा बाद में, तो मैं कराऊंगा, मगर बायो वाले बच्चों के लिए कोई चांस नहीं है भाई, इसको करना ही पड़ेगा। बेटा तुम्हारा क्या बायो, मैथ्स बायो है, ठीक है, तो इसको डेली डेली रिवाइज करना है ना। चलो ठीक है, देखो अब इसको करते हैं। अब कहोगे सर ये मेथड आपने बताई है, इस मेथड से ये वाला फॉर्मूला ला सकते हो आप, या इसके ऊपर जो आपने पढ़ाया है सर a प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू a की पावर 4 प्लस कितना हो गया था 3 × 1 = 4 प्लस कितना हो गया था 4 a³ b प्लस 6 a²b² प्लस 6 a³ ab³ प्लस 4 ab की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। बेटा यही था ना, देखो यही था अभी थोड़ी देर पहले पावर 4 वाला, मैच कर लो, यही था बी की पावर 4 है ना। हाँ तो क्या हुआ 1 2 कुछ भूला ए की पावर 3 b² 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गए और लिखने थे 5। जी हाँ गलती हुई है, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा डबल लिख दिया था, 6 डबल लिख दिया था, बिल्कुल सही, चेक कर लो सही है। ओके क्यों लिखा सर ने ये, सर ने ये इसलिए लिखा क्योंकि सर आपको बताना चाहते हैं बेटा इस वाले फॉर्मूले से आप इसको बड़े आराम से ला सकते हो। चलो देखो पर्टिकुलरली यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4, तो अब हम किसके लिए खेलेंगे n इक्वल टू 4 के लिए। आ जाओ मेरे बच्चों a प्लस बी की पावर 4 खेलो, बोलो a की जगह n की जगह कौन 4, फिर
आगे पावर कम करके तो पहले ही लिख दो, ए की पावर 4 माइनस 1 यानी 3 और बी की पावर 1, ये देखो एन, एन की जगह कौन 4, फिर देखो पावर तो पहले ही खेल दो, 3 से 1 कम होगी क्या आएगी 2 आएगी, और इधर भी कितनी आएगी 2 आएगी, बी की 1 बढ़ गई, अब पावर पे खेलो 4 माइनस 1 अपॉन 2, जरा सॉल्व करो कितना हुआ, 4 में से 1 गए 3 हुआ और 2 से 2 कट गए यहाँ हो गया, सो 2 3 जा 6 आ गया जी, तो यहाँ पे क्या बनेगा 6 आ गया, क्लियर हुआ बोलो, क्लियर हुआ 2 से, ऑनलाइन आर्मी जल्दी बोलो 2 से 4 2 बार गया और 4 माइनस 1 3, तो 2 3 जा कितना बना आंचल बोलो, बना 6 की नहीं बना, यस सर बन गया, तो ये बन गया अपने पास 6, ठीक है ना, तो इसकी जगह 6 लिख देंगे, तो अगला एक लाइन थोड़ा सा और साफ सुधरे तरीके से, a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, आगे देखो बच्चों n n माइनस 1 4 4 माइनस 1 मतलब 3 और 4 माइनस 2 मतलब 2 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 का कोई लेना देना नहीं बच्चा, 4 और बचेगा 4 और a की पावर 4 माइनस 3 मतलब 1 और b की पावर 3, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये बन जाएगा 4 ए बी क्यूब, 4 ए बी क्यूब, एंड लास्ट n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 पुट कर दो, तो 4 4 माइनस 1 3 2 1, 4 4 माइनस 1 3 हुआ, 4 माइनस 2 2 हुआ और 4 माइनस 3 कितना हुआ 1 और नीचे भी 4 3 2 1, a की पावर 4 माइनस 4 मतलब 0 और b की पावर कंप्लीटली 4, एक्सपेंशन हो गई खत्म, 4 3 2 1 से 4 3 2 1 कैंसिल, a की पावर 0 कितना होगा 1, दुनिया में किसी नंबर की भी पावर 0 होती है वो क्या होता है 1, बचा क्या केवल b की पावर 4, तो आंसर आ गया प्लस b की पावर 4, तो मेरा समझना है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्सपेंशन से आप कोई भी पावर को खोल सकते हो, अच्छे से नोट करो बच्चों, थोड़ा डिफिकल्ट है और चीजें डिफिकल्ट होंगी अभी अभी, डन ओके, रफ कर दूं, सभी लोग बताएं रफ कर दूं, यस सर ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें स्पेशल केस लिखिए, स्पेशल केस लिखिए इसका, इसका एक स्पेशल केस है कि a की वैल्यू 1 ले लो और b की वैल्यू x ले लो, व्हेन a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू x, व्हेन a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 ले लो और b इक्वल टू x ले लो, चलो देखो बच्चों a इक्वल टू 1 लोगे b इक्वल टू x, a की जगह 1 रखो तो 1 प्लस x की होल पावर n, 1 प्लस x की होल पावर n, अब लॉजिक पकड़ो भाई, a की जगह 1 है और 1 की कुछ भी पावर करोगे तो वो क्या बन जाएगा 1 ही बन जाएगा, मतलब a की पावर n 1, a की पावर n माइनस 1 1, a की पावर n माइनस 2 यानी 1 की पावर n माइनस 2 वो भी 1, फिर यहां फिर से पावर 1 की पावर 1, जो भी है पावर 1 की कुछ भी पावर होगी 1, मतलब हर जगह 1 हो जाएगा एक ही जगह जहां जहां a है,
और बी के प्लेस में हमें क्या पुट करना है, हमें बी के प्लेस में एक्स पुट करना है, बी के प्लेस में एक्स। तो मैं लिख रहा हूं देखो, पहले वन की पावर एन मतलब वन प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई बी के प्लेस में क्या आएगा एक्स, बी के प्लेस में आएगा एक्स, फिर एन एन माइनस वन अपॉन टू इंटू वन, फिर बी के प्लेस में क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये हो गया वन, ए की पावर क्या हो गई वन हो गई ना, हाँ। फिर देखो क्या आएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री इंटू टू इंटू वन और मल्टीप्लाई में एक्स का क्यूब, नोट करो लास्ट एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अपॉन फोर थ्री टू वन और एक्स की पावर फोर, अप टू चलने दो और लास्ट में कितने पे टूटेगा प्लस एक्स की पावर एन पे। अच्छे से समझ के लिखो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है भागने की, तुम आराम से नोट करो आराम से समझो, फिर मुझे बताओ कि क्या लॉजिक पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो। यस सर। हाँ जरूरत है लॉजिक पकड़ने की, फील करने की कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। समझो कि मैं ए की जगह पे वन पुट कर रहा हूँ और बी की जगह पे एक्स पुट कर रहा हूँ, तो मेरी जो एक्सपेंशन बन रही है वो ये बन रही है, मेरी जो एक्सपेंशन बन रही है वो ये बन रही है। इस चीज को पकड़ो अच्छे से, बेटा ए की जगह वन रख दो और जहां जहां बी है वहां वहां एक्स रख दो, क्योंकि ए की जगह वन रखा और बी की जगह क्या रखा एक्स, बन गई एक्सपेंशन। एन तो मैंने वही के वही लिया है क्योंकि मैंने एन में कोई चेंजेस किया नहीं है, तो नोट कर लो बच्चों। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक्स स्क्वायर के पहले प्लस का साइन नहीं आएगा? नहीं नहीं आएगा ना बेटा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है ना, देखो यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे बी स्क्वायर क्या था मल्टीप्लाई में था ना, और हमने बी के जगह पे तो एक्स रखा है बेटा, देखो बी की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया एक्स रिप्लेस किया है, तो ये तो मल्टीप्लाई में चलेगा ना बेटा सबके, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। बोलो अभी आया समझ में? हाँ सर। देखो यहाँ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में, यहाँ बी क्यूब मल्टीप्लाई में, खुल के पूछो बिंदास एकदम जितना पूछना है, ठीक है ना। ऑनलाइन वालों को तो जरूरत है बच्चों पूछने की, और तुरंत पूछो। चलो ये हो गया, ठीक है। अब एक और चीज बता रहा हूं मैं, ये वन प्लस एक्स की पावर एन देख ली एक्सपेंशन, अब क्या देखनी है वन माइनस एक्स की पावर एन, दो एक्सपेंशन देखनी है, एक देखनी है वन प्लस एक्स की पावर एन और एक देखनी है वन माइनस एक्स की पावर एन। तो क्या सिखा रहा हूं अगली एक्सपेंशन, वन माइनस एक्स की पावर एन, बिल्कुल हड़बड़ाओ नहीं सर, वन माइनस एक्स की पावर एन मतलब जहां प्लस है वहां माइनस हुआ, हाँ। बट बेटा मैथ्स का रूल है कि वन को प्लस करो और एक्स के साथ माइनस एक्स ले लो। ओहो अब देखो क्या किया, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस लड़के क्या हो जाएंगे, माइनस ही तो हो जाएंगे, बट मैं जहां जहां एक्स देख रहा हूं अब मुझे वहां वहां क्या देखना है माइनस एक्स। बस यही फीलिंग करो कि तुम जहां जहां एक्स रख रहे हो वहां माइनस एक्स आएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो वन प्लस एन की जगह अब एक्स था पहले, अब क्या आएगा माइनस, पहले लिखो नहीं पहले समझो बेटा, पहले एन की जगह एक्स था अब एक्स की जगह क्या आएगा माइनस एक्स, तो क्या बनेगा वन एन इंटू माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस एन एक्स को मैं मिटा रहा हूं और ये मैंने लिखा वन माइनस एन एक्स। क्लियर, वन माइनस एन एक्स क्या किया, जहां पे एक्स है वहां माइनस एक्स पुट किया, ये देखो। फिर एन एन माइनस वन टू इंटू वन, हाँ एक्स की जगह किसका स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और पता है स्क्वायर तो एक ऐसा धमाका है जो माइनस को भी क्या कर देता प्लस, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको डायरेक्टली क्या कर दो प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम रखेंगे तो माइनस, मगर वो बाहर जब निकल करके आएगा
तो क्या बन के आएगा वो प्लस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है क्रिश? यस सर। अगला देखो एन एन माइनस वन एन माइनस टू थ्री इंटू टू इंटू वन और यहां पे माइनस एक्स की पावर फोर कर दे, थ्री है तो माइनस एक्स की पावर थ्री करेंगे बच्चों तो माइनस ही होगा क्योंकि क्यूबिक पावर निगेटिव हो जाएगी, तो ये माइनस जो है इसको ला करके इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो गया माइनस और ये बन गया एक्स का क्यूब। मतलब जहां पे ऑड आ रहे हैं वहां पे निगेटिव और जहां पे इवन आ रहे हैं वहां पे पॉजिटिव, तो माइनस एक्स क्यूब। ठीक है अगला फिर से पॉजिटिव आएगा, अगला फिर से पॉजिटिव आएगा। फिर से पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि x की पावर 4 है ना बेटा, ये देखो तो माइनस x की पावर 4 करोगे तो x की पावर 4 ही हो जाएगा। n n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन और ये हो गया x की पावर 4 प्लस x की पावर n, नोट कर लो। ठीक है बच्चे सभी लोग बोले समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों सभी लोग बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चों मैं तुम्हें लोग से पूछ रहा हूं। यस सर आ गया। ओके यस देखो हाँ ठीक है। अब देखो सीखना क्या है तुम्हें, अगर तुम्हें यहां तक कुछ भी समझ में नहीं आया स्पेशली बायो वाले बच्चे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें सीखना क्या है अब इसमें एक चीज देखो बच्चों, लिखो 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, मतलब पहला टर्म और दूसरा टर्म। बट कब? जब ये एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, व्हेन एक्स इज वेरी स्मॉल, x is very small, जगह कम पड़ रही, ऊपर लिख रहा हूं शायद दिखेगा नहीं कुछ बच्चों को, सो मैं ऊपर लिख रहा हूं आप लोग के लिए। जो दो चीजें मतलब सब कुछ कुछ नहीं याद रखो, अगर थोड़ा सा परेशान हो तो आप एक चीज रखो 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू, केवल याद रख लो शुरू के दो टर्म 1 प्लस एन एक्स, ये काम है बायो वालों को। और मतलब फिजिक्स में इसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा क्योंकि बायो वालों को ही तो फिजिक्स पढ़नी है ना। हाँ तो इतना ही यूज होगा 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, पूरी एक्सपेंशन इस्तेमाल नहीं होगी, केवल इतनी ही एक्सपेंशन इस्तेमाल होगी 1 प्लस एन एक्स। और 1 माइनस एक्स की पावर एन इक्वल टू देखो क्या था 1 माइनस एन एक्स शुरू के दो टर्म 1 माइनस एन एक्स। लो भाई राहत भरी सांस ले लो, तो एक है 1 प्लस एन एक्स और एक है 1 माइनस एन एक्स, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स और 1 माइनस एन एक्स, ये अप्रोक्सीमेटेड इनकी वैल्यू। मगर ये कब लगेंगे? जब व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, जब एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, एक्स बहुत छोटा है। ठीक है सर, माइनस में वैल्यू होगी तब यूज करेंगे ना? नहीं, वन से छोटी, माइनस में नहीं, वन से छोटी होगी, माइनस में नहीं, पॉइंट में, जीरो पॉइंट कुछ 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 तब के लिए। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको,
चलो लिखो लिखो एक फिजिक्स का रिलेशन जहां पर ये दोनों यूज होंगे, वो मैं बता रहा हूं कहां पे यूज होंगे। एक मिनट, शीट पे आओ, थ्योरी शीट पे बच्चे लोगों। बच्चे लोगों थ्योरी शीट पे आओ, देखो बायनोमियल थ्योरम। बेटा मोबाइल लाई हो, कोई बात नहीं, चलो है ना। बायनोमियल थ्योरम वाली शीट जो है उसमें देखें, बायनोमियल थ्योरम, इफ एन इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर टू ए फ्रैक्शन एंड एक्स इज एनी रियल नंबर, देन वन प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू, वही जो मैंने आपको लिखा दिया पूरा बड़ा बड़ा वाला, वन प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, है ना, ये मैंने वो लिखा दिया। और फाइनली देखो क्या लिखा हुआ है कि वन प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, वन प्लस एन की एक्स की पावर एन इक्वल टू वन प्लस एन एक्स। ठीक है, अब इसको मैं यूज करना सिखाता हूँ आप लोग को, इसको यूज कैसे करोगे, उसको यूज कैसे करोगे, ये देखो। जैसे मैंने दिया आपको जी डैश इक्वल टू जी, अब ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आएगा यही का यही आएगा जब आप पढ़ाऊंगा मैं आपको चैप्टर नंबर 8। जी डैश इक्वल टू जी वन प्लस एच बाई आर की पावर माइनस टू, ओके ये है वन प्लस एच बाई आर की पावर माइनस टू, ये क्वेश्चन आ गया आपको। अब इसको आपको यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सर ने क्या सिखाया, पहले एक्स को देखो, एक्स ये देखो एक्स, आप देखो एक्स क्या है, ये बैठा हुआ है एक्स बच्चों, ये इतना टर्म जो है ना एक्स है। अब एक्स में क्या क्या बैठा है, एक्स में बैठी हुई है हाइट और है ये रेडियस। आप छत में चढ़ के 100 सीढ़ी चढ़ करके 100 मीटर ऊपर चले गए और अपना कंपैरिजन किससे कर रहे हो, आर से, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा, 1000 मीटर। ओ माय गॉड भाई, मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक है, तो देख रहे हो ये वाली जो क्वांटिटी आ रही है कितनी आ रही है, 100/64, 30 ये, 20 ये, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो जब इतना छोटे नंबर में से इतना बड़ा नंबर डिवाइड करोगे तो ये जो ऑल टोटल नंबर बनेगा ये वन से कम बनेगा कि वन से बड़ा बनेगा, वन से कम बनेगा, बहुत कम बनेगा। मतलब हमारी ये कंडीशन सूट कर रही है, कौन सी, वन प्लस एक्स की पावर एन वाली। और क्या होता है, ये क्या कहती है कि जो एन है उसको अंदर रख दो एक्स के साथ, यही तो कह रही ना, वन प्लस एन एक्स, मतलब जो एन है उसको एक्स के साथ रख दो। तो बच्चों क्या आंसर बनेगा, जी बाहर बैठेगा, आंसर आ गया 1 - 2h/r। नोट करो ये इसका आंसर है। क्या हुआ यार, इतना सब कुछ मैंने समझाया, हुआ क्या, n बैठ के अंदर आ गया, खत्म। तो इतनी समझ में आ गई अगर आपको बात, तो आपकी फिजिक्स बायनोमियल थ्योरम आपको काम कर देगी। तो फिजिक्स में जो भी बच्चे हैं वो ये समझे, ये जो पावर है अंदर आनी है, बस खत्म, कुछ भी नहीं इसके अलावा, ठीक है ना। हाँ अभी धीरे धीरे फिजिक्स समझ में आएगी भाई, एकदम से नहीं बनेगी यार, मेरे को भी नहीं बनी थी, आपको भी नहीं बनती है, धीरे धीरे बनेगी है। और पूछो, पूछोगे तो जल्दी बनेगी। तो 1 - 2h/r ये हो गया। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए इसी पर बेस्ड। लो मान लो मैंने दे दिया जी डैश इक्वल टू जी वन प्लस एच बाई आर की पावर माइनस नाइन, बोलो अब क्या होगा, ये जो माइनस नाइन है उछल करके एच के साथ में आ जाएगा और क्या बन जाएगा, जी ब्रैकेट में 1 - 9h/r। ठीक है, जी डैश इक्वल टू जी 1 - 9h/r क्या हुआ, हाँ एच और आर की वैल्यूज आपको दी जाएंगी, एग्जैक्टली एच और आर की वैल्यू आपको दी रहेंगी, है ना। सो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये वन से बहुत छोटा है, तो नाइन अंदर आ गया। यस सर, सच में बताओ
हाँ चल, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, जबरदस्ती क्लियर हो गया। चलो ठीक है, तो केवल इतना याद रखना बच्चों, ये दो फॉर्मूले आपको इन फिजिक्स, मैथ्स में लड़ेंगे अपन, बहुत लड़ाई करेंगे, चिंता की बात नहीं है, उसमें तो इतना पढ़ेंगे कि घुल जाएगा ये, ठीक है ना, अपन को याद ही हो जाएगा, वहां की बात अलग है, मगर फिजिक्स के लिए बस ये दो चीजें याद कर लो बच्चों, ठीक ना, फिजिक्स के लिए दो चीजें याद कर लो। चलो फिर एक और सवाल हो जाए, एक और सवाल हो जाए इसी पर बेस, देखते हैं कितना समझ में आया। अब इसका जवाब जो है लिख लेना, फिर मैं पूछूंगा तो बोलना। वन माइनस एच बाई आर की पावर माइनस वन, बताओ कितने में खुलेगा? वन माइनस एच बाई आर की पावर माइनस वन, कैसे खुलेगा ये? बाइनोमियल थ्योरम से कैसे एक्सपेंड होगा? सर वन प्लस एच अपॉन आर। बोलो तो कैसे होगा, आंसर बोल दो। वन माइनस वन, नहीं तो आंसर क्या आएगा? बेटा इतना क्या सोचना, ये माइनस वन है, ये अंदर चला जाएगा एच के साथ, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये बोलिए सर वन प्लस एच बाई आर, नोट कर लो, ये हो जाएगा वन प्लस एच बाई आर, वन प्लस एच बाई आर। छोटे छोटे एप्लीकेशन है, इसीलिए चैप्टर नंबर जीरो पढ़ रहे हैं हम लोग, बेसिक मैथमेटिकल टूल। जो भी बच्चे इन चैप्टर्स को छोड़ रहे हैं, बाद में भाई परेशानी में आ जाएंगे कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनती, हमें सर आपने लॉग नहीं सिखाया, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता, यार मुश्किल है, इसलिए पढ़ो अच्छे से चैप्टर को, क्योंकि पूरी फिजिक्स की मैथमेटिक्स एक बार में इसे यहाँ पे समझा रहा हूं मैं। अगला चलिए, बाइनोमियल थ्योरम फिनिश, अगला मैथमेटिकल टूल डालो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। अगला मैथमेटिकल टूल डालिए ट्रिग्नोमेट्री। जो आवश्यक ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है वो अब यहां पे ये डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या है, जो यूजफुल ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है। देखिए जी, एक राइट ट्रायंगल ले लो ए बी सी, यहीं से शुरू होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, और ये है पर्टिकुलर एंगल थीटा, जिसके बारे में हम थोड़े से सीरियस हैं, इस ट्रायंगल एंगल को लेके हम सीरियस हैं। सो जितनी भी बातें होंगी हम इस एंगल ए के लिए करेंगे। तो अगर इस एंगल की बात करूंगा मैं, तो इस एंगल के सामने टॉर्च मारोगे तो ये चीज होगी परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाली चीज क्या होगी? हाइपोटेनस। ओके, और एंगल से चिपकी हुई साइड जो होती है वो होती है बच्चों बेस। ठीक है, तो शीट को रेफर करेंगे। चलिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, तो शीट को रेफर करते हैं। अब ये सब लोग जानते हो कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो टेंथ वाला सब कुछ जानते हो। मेन मेन फॉर्मूले नोट कर लो बच्चों, लिखो कोसेक थीटा इक्वल टू, अब ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट बना करके स्पेशली सभी लोग घर में सामने लगा लो भाई, सामने मतलब डोर के सामने नहीं, जहां बैठते हो पढ़ते हो वहां लगा लेना, ठीक है? तो चार्ट बना करके आप लोग जो है लिख लो, क्योंकि इतना यूज होगी, कदम कदम पे यूज होगी, और बाद बाद में किताब खोलोगे तो और याद नहीं होगी, डेली देखोगे तो याद हो जाएगी। तो कोसेक थीटा इक्वल टू बच्चों लिखो वन अपॉन साइन थीटा, तो कोसेक का रेसिप्रोकल कौन? साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन? कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, साइन ऊपर तो कोसेक नीचे, कोसेक ऊपर तो साइन नीचे। दूसरा लिखो सेक थीटा इक्वल टू क्या? वन अपॉन कॉस थीटा, देन कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को ही हम बोलते हैं वन अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब और आइडेंटिटीज लिखिए, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये तो सबको पता होंगी, आई होप भूले नहीं होगे यार,
अगर भूल गए तो गड़बड़ बात। अगली आइडेंटिटी लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। अगली आइडेंटिटी लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अगला लिखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगली आइडेंटिटी एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये टेंथ क्लास तक की मैथमेटिक्स थी, इसमें मैंने कुछ भी इलेवेंथ का यूज नहीं किया। अब इलेवेंथ क्लास की मैथमेटिक्स आने वाली है, उसके फॉर्मूले नोट कर लो थोड़े से, उसके फॉर्मूले नोट कर लो इलेवेंथ क्लास की मैथमेटिक्स के लिए। ये नोट हो गए। चलो अब इलेवेंथ क्लास की मैथमेटिक्स वाले फॉर्मूले में इधर और नोट करा रहा हूं। बच्चों रफ कर दूं ऑनलाइन वाले, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इलेवेंथ क्लास वाली मैथमेटिक्स और नोट करो। लिखो साइन ए प्लस बी, पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी क्या लिखोगे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर माइनस आएगा यहां पे तो यहां पे भी माइनस। तो दोनों फॉर्मूले एक साथ मैंने क्लब कर दिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों फॉर्मूले अपन ने क्लब कर दिए, दोनों फॉर्मूले अपन ने मर्ज कर दिए। अगला लिखें कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहां पे अगर माइनस है तो यहां पे करेंगे प्लस। देख लो उल्टा चल रहा है, अगर प्लस होगा तो माइनस होगा और माइनस होगा तो प्लस होगा। बेटा समझ पा रहे हैं दो फॉर्मूले? अगर माइनस यूज करोगे तो प्लस आएगा और अगर प्लस यूज करोगे तो माइनस आएगा। एक साथ लिख दिए दो, टाइम बच गया मेरा, ठीक है ना, नोट करो। कौन सा स्कूल है तुम्हारा बेटा? ईपीएस। ठीक है भाई, कॉस ए प्लस बी हो गया। अगला लिखो टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। 10a plus 10b divided by 1 minus 10a into 10b. और अगर यहां पे माइनस लोगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस और नीचे हो जाएगा प्लस, ऊपर हो जाएगा माइनस नीचे हो जाएगा प्लस। बायो वालों के लिए ये वो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है इंपॉर्टेंट। माइनस क्या होगा बेटा? हाँ देखो लिखा है ना, अगर माइनस है तो ऊपर होगा माइनस और नीचे हो जाएगा प्लस। अलग से लिख दूं? चलो अलग से लिख देता हूँ, अलग से लिख देता हूँ। लो टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यस सर।
मैथ वाले बच्चों याद कर लो इसको, तुरंत आज याद कर लिए तो तुम्हारे 15 नंबर तो तुम्हारी जिंदगी में जुड़ गए, ये हो गया ठीक है ना पक्के से। अब आओ इसके क्वेश्चन हो जाए, ये ए और बी क्या है सर? अरे बच्चों ए और बी एंगल है, एंगल एंगल ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। सर ने कहा बेटा मेरे को निकाल के बताओ वैल्यू कितने डिग्री की, साइन 15 डिग्री की। सर साइन 15, सर आपने तो हमें पिछले साल 0 बताई, 30 बताई, 45 रटवाई, 60 रटी हमने सर और 90 रटी, अब ये 15 कहां से आ गया? सर 15 तो नहीं बताई आपने। तो बच्चों अब 15 हमें निकालना है, इसलिए हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं। अब देखो जरा कैसे निकालेंगे 15 साइन 15। क्या मैं 15 को 45 माइनस 30 नहीं लिख सकता हूं? बेशक लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बोलो। यस सर। अब अगर 45 माइनस 30 हो गया तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, साइन ए माइनस बी वाला। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लग जाएगा ना। तो कितना हो गया साइन 45, ए की जगह 45 है और बी की जगह 30, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस 45 साइन 30। चलो बोलो दिमाग में चमका कि नहीं चमका? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्रिश? यस सर, हो गया हो गया। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन 45 की वैल्यू साइन 45 वन अपॉन रूट टू, कॉस 30 रूट 3 बाई 2 माइनस कॉस 45 वन अपॉन रूट टू साइन 45 साइन 31/2। अब ये वैल्यू 10th क्लास की है, शायद भूले नहीं हो गए, भूलना नहीं चाहिए। चलो सॉल्व करो, रूट 3 बन जा रूट 3 और 2 इंटू रूट 2 बोले तो 2 रूट 2 और माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, एलसीएम ले लो, आंसर लिखिए 2 रूट 2 और ऊपर है रूट 3 माइनस 1। तो बच्चों बन गया इक्वेशन रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। प्लीज नोट, रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, साइन 15 डिग्री हो गया ये, साइन 15 हो गया ये। अब एक क्वेश्चन आप लोग करो मेरी तरफ से, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ। चलो कीजिए अपने दिमाग को शार्प, अपने दिमाग की धीमी पड़ी हुई पेंसिल को कीजिए शार्प। नहीं चल रही है, हाँ ठीक है। हाँ चल जाएगी, क्वेश्चन देखे आए हैं। चलो वैल्यू बताओ बोल करके कितनी हुई सर? रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू। बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू। एग्जैक्टली, बस प्लस करना था और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, केवल प्लस करना है। तो आंसर हो गया रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू, वेरी गुड। तो साइन 75 था ना, तो चलो थोड़ा सा चेंज किया, ये करा 75, तो 45 में 30 ऐड ही करना है, तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, बन गया रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू। बेटा नोट कर लो।
चलो वैल्यू निकाल के बताएंगे मेरे को किसकी किसकी, मुझे बताएंगे आप लोग कॉस 15, कॉस 15 कॉस 15 कॉस 75 कॉस 75 ओके कॉस 15 और कॉस 75 की वैल्यू मुझे निकालेंगे आप लोग कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो योर टाइम से स्टार्ट नाउ, 1 2 3 4 5 टाइम ओवर। कॉस 75 का टाइम 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे सर इतने बड़े फॉर्मूले दिए हैं थोड़ा टाइम तो लगेगा, चलो अब लगाओ टाइम, अब टाइम लगाओ फिर सर, मैं बताता हूँ कि 5 सेकंड का लॉजिक क्या है। बोलो सर, कॉस 45 माइनस 30 वाला है, रूट 3 प्लस 1 बाय 2, रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं सर कॉस 45 जो आया है वो रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 आया है। ओके मतलब cos 15 है ना इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, ठीक है। और cos दूसरा वाला माइनस हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। आपने फॉर्मूले लगा के चेक कर लिया? बोलो फॉर्मूला लगा के चेक किया कि नहीं किया? चलो देखो yes, sir. चलो ठीक है चेक कर लिया तो अच्छी बात है। अब देखिए चलो फॉर्मूला लगा करके तो आएगा, ठीक है आ गया, फॉर्मूला लगा लो निकाल लो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर लो एक बार आप लोग कर लो दिए 2 मिनट आपको, आराम से करो बच्चों कोई नहीं। आराम से 2 मिनट ले लो, ये आपको 2 मिनट कर लो। चलो ठीक है लिख लिया, अब हम बता रहे हैं देखो, अब हम बता रहे हैं देखो, प्लस वन अपॉन टू रूट टू, रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू किसकी वैल्यू आई बेटा, ये कॉस 75 की है ना, ये 15 की, सर 15 कॉस 15 की बिल्कुल सही, और कॉस 75 की सर माइनस में आई है, ठीक है चलो बिल्कुल सही। चलिए देखिए याद कीजिए मैंने आपको कराई थी वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू कराई थी मैंने आपको, रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू ये निकलवाई। तो इसका आंसर 5 सेकंड में लाने का लॉजिक क्या था, साइन 15 को आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब साइन का जो एंगल होगा वही कॉस में क्या जाएगा, 90 माइनस थीटा में जाएगा वही एंगल, नहीं पढ़ा? ओके मैं समझ गया, इसको 10th क्लास में रिमूव कर दिया गया था बच्चों, ये देखो ये आ गई दिक्कत आपके सामने, बट मैंने तो पढ़ाया है भाई, है ना, जो बच्चे पढ़े हैं याद होगा उनको साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो चलो कोई बात नहीं, तो बच्चों आप फॉर्मूला नोट कर लो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस 15, ओके तो साइन 15 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 15,
मतलब जो आपका कॉस 75 आएगा वो यही होगा। हाँ तो कॉस 75 की वैल्यू कितनी आएगी, रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू, ठीक है, रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू। तो पहले फॉर्मूले नोट कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले, तब आपको ये समझ में आएगा। हेडिंग डालो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले, हेडिंग डालिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले। टेंथ क्लास में ये टॉपिक हटा दिया गया था सिलेबस से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बच्चों, ये राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, अगर ये एंगल आप थीटा ले रहे हो तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना पड़ेगा 90, ये तो ऑलरेडी 90 है ना, तो इन दोनों का सम 90 देना पड़ेगा तभी तो टोटल 180 बनेगा। तो अगर ये थीटा है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा। अब समझिए फॉर्मूले लिखो, साइन 90 माइनस थीटा, अगर आप इस वाले का साइन लोगे तो आंसर क्या निकलेगा, कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। नोट करिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा, थीटा की वैल्यू चाहे कोई भी हो, बिल्कुल सही, सबके लिए अप्लाई है। साइन 90 माइनस कॉस थीटा, ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले। सभी बच्चे बताएं एकदम क्लियर है कि नहीं है फॉर्मूले, अगर क्लियर ना हो तो प्लीज डिस्कशन करें, प्लीज पूछें, बहुत कुछ बताया जा सकता है, कई तरीकों से बता सकता हूं मैं। यस सर, क्लियर। हाँ जी, ठीक है ना, काफी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों फिजिक्स आएगी, बहुत प्रैक्टिस करो, और जितने प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में नए नए आइडियाज भी आने शुरू होंगे कि अरे वाह जो मैंने नहीं बताया है वो भी नए नए आइडियाज आएंगे, क्योंकि हर चीज एक दूसरे को लिंक करती है। यहाँ पे 10 मेथड है, 10 मेथड से सेम आंसर आएगा। अब देखो, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया कि मैंने आपको बताया साइन 15, साइन 15 मैंने आपको कराया कितना, रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू, ये मैंने आपको बताया साइन 15। अब ये साइन 15 किसके इक्वल होगा, तो क्या देखो, यहां से देखो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब जो साइन का थीटा है वो कॉस में 90 माइनस थीटा कर दो, तो दिस इज इक्वल टू साइन 15 इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 15, मतलब जो साइन 15 है वही कॉस 90 माइनस 15 है, तो कॉस 90 में से 15 का कितना बचा 75, तो कॉस 75। तो बच्चों यही वैल्यू आई होगी, देख लो आपने जब सॉल्व किया ना कॉस 75, वो देखो लिख लिए साइन 15 की वैल्यू, है ना, साइन 15 की वैल्यू कितनी निकली थी अपनी यार, रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू, और कॉस 75, हाँ निकली तो है, ये देखो ना लिखिए ना रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू, तो जो साइन 15 है वही कॉस 75 है, जो साइन 15 है वही कॉस 75 है। इसी बेस पे मैंने बोला था कि मुझे 5 सेकंड में इसका आंसर दो, ठीक है, चलो अगला देखो। अगला मैंने कहा था साइन 75, साइन 75 आप लोगों ने निकाल दिया था, निकाला था ना साइन 75, कितना निकला था, शायद रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू, साइन 75 रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू, रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू,
तो साइन 75 को क्या लिख सकता हूँ, साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या कॉस, 75 का कॉम्प्लीमेंट क्या 15, क्योंकि अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा क्या होगा 15, तो जो साइन 75 है वही कॉस 15 है, आंसर लिखो रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। तो ये वो 5 सेकंड वाला लॉजिक है जो मैं कह रहा था 5 सेकंड में आंसर दो, ठीक है, ये उसके लिए। चलो बाकी बना लेना, ऐसा कुछ जल्दीबाजी नहीं है कि 5 सेकंड में ही आंसर चाहिए, अभी प्रैक्टिस आ जाएगी तो कर लोगे 5 सेकंड में। तो दो फॉर्मूले भी मैंने प्रैक्टिस करा दी। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो tan कितने डिग्री, 15 डिग्री करके लाना, और tan कितने डिग्री 75 डिग्री। लिखो क्वेश्चन, फाइंड tan 15 डिग्री एंड tan 75 डिग्री। tan 15 डिग्री एंड tan 75 डिग्री। चलिए अगला लिखिए क्वेश्चन, ये हो गया अगला टॉपिक। अगला टॉपिक लिखिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अगला क्वेश्चन लिखो साइन 2 थीटा, फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं कोई चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलू ना तो उस पर इंपॉर्टेंट लिख लिया करो, इसका मतलब है तुम एग्जाम टाइम में, तुम्हारे पास पढ़ने पे वक्त नहीं रहता ना एग्जाम टाइम में क्या क्या पढ़े, और 11th 12th में तो और नहीं मिलेगा बच्चों, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूं वही पढ़ के जाना और वही एग्जाम में आएगा। तो देखो मैंने क्या बोला आपको, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे करें। देखो जी बच्चों, क्या मैं 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसके बाद पहुंच जाओ यहां, सर ए की जगह भी थीटा बी की जगह भी थीटा, तो जो फॉर्मूला लगा रहे हो ना उसमें ए की जगह भी थीटा लगा दो और बी की जगह भी थीटा लगा दो। तो चलो लगा दो फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, ए भी है थीटा बी भी है थीटा, प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये भी बन गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी बन गया साइन थीटा कॉस थीटा, तो आंसर क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नोट करिए, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डन, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो फाइंड साइन 120 डिग्री। ओ सर ये क्या दे दिया 120, सर पिछले साल 90 तक तो पढ़ाया, 120 क्यों दे रहे हो, 120 डिग्री की वैल्यू निकालो। चलो लगाओ दिमाग भाई कितनी आएगी साइन 120 की वैल्यू। मैंने मन में कर ली, मैंने तो कर ली मन में वैल्यू, तुम बताओ कितनी आएगी वैल्यू साइन 120 की। रूट थ्री वन बाय टू, रूट थ्री वन, यार रूट थ्री वन क्या है, रूट थ्री बाय टू, नो सर रूट थ्री बाय, ओके रूट थ्री बाय टू। लेट सी द क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व, लेट सी साइन 120, गाइस वी कैन राइट इट साइन 2 टाइम्स ऑफ 60, ओके नाउ दिस इज साइन 2 एंड दिस इज बिकम थीटा, सो नाउ अप्लाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2, the value of sine 60 how much, root 3 by 2, the value of cos 60 how much, 1 by 2, 2 and 2 get cancelled out, answer is root 3 by 2, very good guys, you will be given 1 mark surely, note it.
ओके okay, कल की जूम लिंक भाई पड़ी हुई है क्लास में, तो आप लोग जो है दे दूंगा मैं कल की क्लास, जिनकी छुट्टी है वो लोग प्लीज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लास बड़ी आराम से समझ में आ जाएंगी। ओके okay, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा दूंगा दिक्कत हुई तो। चलो सो रूट थ्री बाई सर अलग से, बस फिनिश कर रहा हूँ लास्ट सम। ओके गाइज सो लास्ट फॉर्मूला लिखिए, आपको जो करना है बना करके लेके आना है द फॉर्मूला फॉर कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा किससे बनेगा, इससे बनेगा एंड टेन टू थीटा, दो फॉर्मूले 15 नंबर है ये मैथ्स वालों के, अगर इतना ही कर लिया तो 15 नंबर कहीं नहीं जा रहे आपके टर्म वन के एग्जाम में। चलो तो ठीक है, इतने पे काम खत्म करते हैं काम। कल कॉस टू थीटा की वैल्यू निकाल के लाओगे और टेन टू थीटा की वैल्यू निकाल के लाओगे, ठीक है ना। अभी बेसिक मैथमेटिकल टूल चलेगा, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो ठीक है, नहीं तो मैं वर्कशीट बना के डाल दूंगा, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना। चलो भाई क्विट करते हैं अभी, थोड़ी देर बाद मैथ्स की क्लास रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। बेटा इसको कट कर दो। पहले मैथ्स पढ़ा नहीं, फिजिक्स चली नहीं, बेसिक मैथमेटिकल टूल है। हाँ बेटा, हाँ सर, ये पाठशाला 11th में अभी ऐड नहीं हुई क्या है, पाठशाला 11th में ग्रुप में? हाँ इनको कर दो सर आज, ठीक है ठीक है सर। आज वो बच्चे ने, ए, ए,